ओके वेलकम टू एफएस एंटरटेनमेंट। आज हम रेहान थानिया के साथ में। रेहान भाई आप अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हम क्या देख रहे हैं अभी आपके जो बकरियां है जो फीमेल्स का लॉट है उसमें से ये कौन सी है? ये हाइपेड बकरी है। हाइपेड ये हाइपेड ऐसा क्यों है नाम उसका? ये फीमेल थी और हैदराबादी बकरा था उसके आई है। ओके में है 6 लाख पे है, 2 टाइम अपने पास बन चुकी है। हैदराबादी से लगी भी है। हाँ ये तो हम उसको वीडियो बता रहे हैं। हैदराबाद से लगी भी कंफर्म खाली बोल के ही अपन देंगे, खाली समझ के ही देंगे। अच्छा 6 दांत है। अच्छा तो ये एक्चुअली अपने को बेचना है अंदर पूरा स्टॉक है। तो ये एड्रेस के लिए तुम उसको कैसे बताओगे आपको? किसी को अगर देखना है तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूंगा। ओके तब ये बकरियां कोई लेता है तो उसको क्या देख के लेना चाहिए? हाइपेड अगर नस्ल है ब्रीड है। बच्चे बहुत अच्छे आते हैं इसके, लंबे कान में फ्रंट फेस है, थोड़ा हंसा टाइप में दिखती है बकरी। Okay. अच्छी बकरी है। नहीं मैं एक्चुअल में पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर बकरी अगर किसी को लेना है आपसे ही नहीं किसी और से भी अगर, तो उसमें क्या देखना चाहिए बकरी के अंदर? क्या भाई ये बकरी अच्छी है? कान अच्छे हुए, चेहरा बहुत अच्छा, चेहरा बहुत अच्छा। उसको खोल दो, उसको खोल दो, वो चिल्ला रही है। हम एक साथ वीडियो बना लेते हैं। बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं एक्चुअल में। अब सेटअप भी दिखा देते हैं साथ में। हाँ क्या बता रहे थे आप उसके अंदर? झालर चाहिए, पंच फेस में चाहिए और उसके कुछ थन वगैरह देखते हैं क्या भाई? आंचल भी चेक करते हैं ना, आंचल खराब होते हैं। अच्छा तो इससे मालूम पड़ता है? हाँ इससे मालूम पड़ता है। अच्छा अभी फ्रेम भी अच्छी चाहिए। अच्छा अभी इधर मैं देख रहा हूँ जितने भी बकरी है सब, मतलब जितनी भी हमारे पास नग रखे हुए सारी बकरी है बराबर। तो इसमें अभी आपको इतना नॉलेज है तो मुझे एक चीज बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि भाई बकरी गाबन है कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि काफी लोगों को मैंने पूछा हो पर्सनल लेवल पे कि भाई बकरी गाबन है कैसे मालूम करते, तो उनको तो कुछ एकदम कंफर्म गाबन तो मालूम पड़ती है 2.5 से 3 महीने के आसपास ही। अच्छा आंचल में छींक आता है और जो पट रहती है सब पेट से समझ में आता है, पेट पे हाथ लगा के समझ में आ जाता है क्या उसके अंदर बच्चा घूमता है। क्या अंदर बच्चा घूमता है? बाकी ऐसा कोई बोलता है 1 महीने की गाबन है तो मैं 3 साल से पाल रहा हूँ, मैंने तो कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। अच्छा। बड़ी बकरी जो रहती है जो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम गाबन रहती है उसके आंचल में छींक आ जाता है 2 महीने में। तो अभी हम देख रहे जो ये जो बच्ची है इसके कुछ प्राइस आप अभी बताओगे? फोन पे ही बताएंगे प्राइस, व्हाट्सएप पे नीचे नंबर मैं आपका डाल देता हूँ। ठीक है तो हम एक एक करके सारा देखते हैं साथ में, सेटअप भी देखते हैं इसके साथ में। तो ये शुरुआत यही से करते हैं ना हम, ये भी हाइपर ये तो हैदराबादी पूरी दिख रही है बच्ची, ये मिक्स है, प्योर हैदराबादी नहीं है। अच्छा साथ 2 किड्स है, तो किड्स भी दिखाएंगे अपन। तो एक ये फीमेल है एक मेल है। ये मिक्स कैसे मालूम पड़ी आपको? मुझे तो हैदराबादी लग रही है कान, उसकी कान की लेंथ। सोजत बकरी थी और हैदराबादी नर था, ये एक्चुअली अपन ने लिए थे बाहर से ही लिए थे। ओके और अपने पास 2 टाइम जनी है, बकरी बहुत अच्छी है, 2 टाइम जनी पूरी फ्रेम में है। कितने दांत है? ये 8 दांत है, ये भी अपन ने 8 दांत थे। बकरी का मेन ऐसा रहता है ना, लोगों का ऐसा ये रहता है कि 8 दांत हो गए तो बकरी बूढ़ी हो गई, ऐसा नहीं रहता है। बकरी जो है 8 से 10 साल चलती है। अच्छा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चलती है, फर्क नहीं पड़ता है। कोई कोई बकरी रहती है जो पट रहती है वो गापने पकड़ती है, वो 4 दांत पे भी गापने पकड़ती है। अच्छा 2 साल में तो 8 दांत हो जाते हैं। अच्छा फिर वो कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये गाप नहीं पकड़ेंगी और इसको बकरी रिजेक्ट करने का टाइम आ गया तो, है? वो तो कैसा है, वो तो किस्मत की बात है। अभी मेरे पास बकरी जनी है, आगे जाके नहीं जन सकती है, या आगे किसी के पास जनी है महिला है मेरे पास नहीं जन सकती। मतलब हम श्योरिटी नहीं देते हैं लेकिन हमारे पास जनी हुई है, जेन्युइन है चीज, और लेकिन फिर भी किस्मत के ऊपर है कि आगे क्या होगा। मेन कैसा रहता है बकरी को दाना थोड़ा कम डालने का रहता है, क्या वो चर्बी लेती है ना तो जल्दी ही गाप नहीं पकड़ती। अच्छा जो एक्चुअल में उसका जो बच्चा दानी जिसको बोलते हैं शायद उसको दाना कम देते हैं, एक बार हाँ ब्लॉक कर देता है, गाबन हो गई फिर तो उसको अच्छे से अच्छा खिलाओ। ओके और ये भी दूसरा ये पट है क्या? ये पट है, ये 9 महीने की रहेगी। अच्छा 9 महीने की है, माशाल्लाह व्हाइट आईज में है ये। ओके सबका प्राइस आप फोन पे पर्सनली बताएंगे? फोन पे। ओके एक सेकंड, सो खोल सकते हैं क्या? इसके ऊपर एक पॉइंट है ऊपर बराबर, तो ये भी क्रॉस है? क्रॉस है, सोजत फीमेल से हैदराबादी। सारे उसी में क्रॉस है क्या आपके? सोजत और हैदराबादी था, हैदराबादी ही था। अच्छा उससे ही लगभग सब बच्चे, खाली जो एक पहले रेंजो ब्रीड लाइन के बकरे थे उससे 2-3 बच्चे है उसके दिखाएंगे वो भी।
हाँ ठीक है चलेगा। ये रेंजो ब्रीड क्या होती है एक्चुअल में वो एक्सप्लेन करो ना जरा थोड़ा सा। हमारे ये है आई थिंक शायद राइट ये वाली पट। अच्छा वो ली पट है ये रेंजो ब्रीड लाइन की है। इकबाल भाई हमारे उनके घर की ब्रीड है ये उसका बच्चा है। अच्छा माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी ब्रीड है। ओके और ये मतलब इसका इसकी प्योरिटी कैसी मालूम पड़ेगी इनकी इनके पैर इनके। अभी ये बकरी जो है ये 106 दिन की बकरी है 106 दिन की 106 दिन की लेकिन इसका वेट मेरे ख्याल से 28 से 30 किलो वेट रहेगा आराम से इंशाल्लाह रहना चाहिए उतना तो। और क्वालिटी देखो पूरा बकरा इसको कोई ऐसा मैं बोलूंगा ना बकरी है तो कोई भी पूरा। हाँ लेकिन काफी लोगों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन रहता है मैं बोल रहा हूँ पूछ रहा हूँ कितने लोगों से बोलते हैं इनका फेस जो रहता है अगर बकरों पे जाता है तो बांझ मानी जाती है कि भाई वो एक्चुअल में बांझ है। नहीं मैं जो सुना हूँ एक्चुअल में मिथ हो सकता है वो चीज इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कि भाई वो बोलते हैं कि बकरे ऐसी दिखती है बोले ये फलेंगी नहीं या बावला नहीं नीचे छोड़ेंगी ना आंचल नीचे नहीं छोड़ेंगी कुछ नहीं बस आ चुके ऐसे ठीक है। और फिर उसके बाद में ये एक बच्ची है फीमेल है ये भी फुल क्वालिटी में भी गामा नहीं है। ओके इसको दांत नहीं है दांत नहीं है अदंत है अदंत नहीं है और ये अदंत है और इसको समझो 2.5 महीने की गाबन है कंफर्म गाबन। अच्छा हैदराबादी बकरे से गाबन है हैदराबादी बकरे से और ये भी हाइपर देखो पंच फेस देखो कान देखो भानी वालों जरा उसको ये एक्चुअल में बहुत डरते हैं टेरिस पे पाले हुए हैं तो वो चीज ऐसा है कि ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है और इधर मैं इनके लिए नया लग रहा हूँ शायद। ये जो फीमेल है इसके साथ एक बच्चा है बच्चा का है बच्चा अंदर है बच्चे भी दिखाएंगे। हाँ इसको पॉज कर देते हो अंदर डाल देते तो रेहान भाई भी बच्चे छोड़े है और इसके साथ में बच्चे भी हमने मेंशन करना भूल गए थे तो ये जो भी इसके डील होंगे बच्चों के साथ में होंगे राइट बच्चों के साथ में एक मेल है एक फीमेल है एक मेल एक फीमेल है फेस में लंबे कान में मैं अंदर जाता हूँ। माशाल्लाह कितने महीने के बच्चे ये अभी 1 महीने 3-4 दिन के हुए होंगे। एक तो फुल वाइट है वो मेल है और जो जिसके मुंह पे काला है वो फीमेल है। ये फीमेल है और ये वाइट मेल है ये भी हैदराबादी से है। माशाल्लाह एक कान उसका वाइट आया है और एक ब्लैक और ये जो बच्चा है दूसरा पहले एक फीमेल दिखा है ना हाँ जस्ट दो दांत की है उसका बच्चा ये रेंजो ब्रीड लाइन का बच्चा है फीमेल है भी। माशाल्लाह ये भी फीमेल है इससे छोटा बच्चा है और साइज देखो माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे बच्चे है। ये किसका बताया पहला जो एक बच्चा जो है फीमेल बताया ना 2 महीने ओके इसके साथ में है जो पहले हमने बताया बराबर। चलेगा माशाल्लाह ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। और दूसरी बकरी ये बच्ची है ये सोजत है बकरी। ओके ये यहाँ की सब में पुरानी बकरी है। अच्छा तो ये मेरे पास 4 टाइम जनी है और 8 दांत पे मैंने लिया था। हाँ अभी भी लगी है हैदराबादी से जस्ट लगी है 8 दांत पे लिए थे 4 साल पहले 4 साल नहीं 3 साल हुए 4 टाइम मेरे पास जनी है। अच्छा तो मतलब ऑलमोस्ट वही ना कितने महीने में बच्चे देती है 5 महीने राइट ऐसा। हाँ 5 महीने 5 दिन तो साल में 2 साइकिल तो नहीं देती हूँ नहीं 2 नहीं 2 साल में 3 बार होता है अच्छे से ध्यान देंगे तो। अच्छा तो क्या रीजन है वो पूरा लॉट जो एक्चुअल में पूरा निकाल रहे हो बेच रहे हो। हम बाहर रहते थे ना तो हाँ। दूसरा कोई संभालता था अभी वो अवेलेबल है नहीं। अच्छा तो वही बाकी ऐसा फीमेल सब क्वालिटी वाले ऐसे नहीं क्या कचरा रखे। ओके 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 फीमेल सब अच्छे नहीं देखा वो तो माशाल्लाह अच्छी है ये भी सोजत में अच्छी लाइन की है इसके पंच बहुत अच्छा है इसके बच्चे बहुत अच्छे थे इसके दूध भी माशाल्लाह अच्छा दिख रहा है। रेड लाइन की पट आई है ना हाँ और कौन सी बच्ची है इसमें ये एक फीमेल है। अच्छा ये एक फीमेल है इसका एक कान कटा हुआ है जब हुई थी तभी उसका कान मार के अच्छा हो गया था पैलेट में पैर फंसा था उसका। अच्छा पैदा होने के बाद में एक्सीडेंटली हुआ है ठीक है पास में वैसे भी बकरियों में तो इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि दूसरी कान की क्वालिटी चेक करने के लिए निकालो जरा उसको क्वालिटी चेक करने के लिए एक्चुअल में दूसरा काम है हम चेक कर सकते हैं उसका फेस पतिरा में टॉप क्वालिटी
ये भी पतिरा में है। हाँ। और ये भी आपके पास जनी हुई है पहले से? नहीं ये पट है। अच्छा पट है अभी? हाँ पट है। तो लगी हुई है खाली ही सामने बोलो। अच्छा खाली है, अपन खाली बोल के देंगे ज्यादा बेटर है, क्या पता वो उसके बाद में आगे सामने वाले की जिम्मेदारी। राइट ठीक है इंशाल्लाह। फिर जिस किसी को चाहिए तो इस पे नंबर जो स्क्रीन पे दिया हुआ, एक बार आप नंबर बोलिए भी मुझसे। उरली 7021 7021 7035 7035 99 99। जिस किसी को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सअप कीजिए। इसकी जो बाकी डिटेल्स है वो आपको इंशाल्लाह व्हाट्सअप पे रेहान भाई देंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ क्लोज करते हैं।